नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की धर्म से जुड़ी बड़ी खबरों से। वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के समीप की पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। यहीं पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित माता रानी का मंदिर है। यह भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखे जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू तीन मूर्तियां हैं। देवी काली दाएं, सरस्वती बाएं और लक्ष्मी मध्य पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती है। भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद माना जाता है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी की पूजा के पश्चात बाबा भैरवनाथ का पूजन करना भी अनिवार्य है, तभी पूजा सफल मानी जाती है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर और भैरव मंदिर तक 14.5 किलोमीटर है। मंदिर के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए वहाँ पवन पुत्र हनुमान पहुँच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की और हनुमान जी को पहरा दिया। फिर भैरवनाथ कन्या को ढूंढते हुए वहां पहुंचे। इसके पूर्व एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है, वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने इस साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण कर लिया और भैरवनाथ को वापस जाने के लिए कहकर फिर से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा पर पहरा दे रही हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। अब तक लिए बस इतना ही। ऐसे ही धर्म से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।